इस वक्त हम खड़े हैं महंगा विधानसभा के इंगोसा रायपुरा गांव में। इंगोसा रायपुरा गांव है जो कि महंगा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 12 में है। यहां पर यहां से महंगा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से महंगा विधानसभा से दो बार विधायक रहे राकेश शुक्ला हैं, तो ये कांग्रेस से एक युवा चेहरा राहुल सिंह भदौरिया है जो की पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। ये गाँव के लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ किसका माहौल है, कांग्रेस का माहौल है या बीजेपी का माहौल है या कोई अन्य है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम सुमर सिंह। कांग्रेस को वोट दोगे बीजेपी को? वोट देंगे कांग्रेस को। काय को देंगे कांग्रेस? कारण का रहा हो ऐसा काय? हाँ भाई खुशी है तो बीजेपी देगी 1000 रुपया दे रही है, है? 1000 रुपये महिला है दे रही है तो कांग्रेस को देगी। अब बीजेपी ने काम नहीं करोगा? काम भाव नहीं करोगा बीजेपी ने? क्या नाम है आपका? नरवेंद्र सिंह। नरवेंद्र जी किसे वोट कर रहे हैं आप, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस को। बीजेपी को क्यों नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो तमाम ऐसी जनहित ऐसी योजना चालू की है, तो कांग्रेस को क्यों? चेंज चाहती है पब्लिक। अब 20 साल से बीजेपी है इस राज्य में, इसलिए चेंज चाहिए। अब तो विकास नहीं हुआ है बीजेपी में? नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ लोग हैं, प्रदेश स्तर के लोग हैं, वो तो दावा कर रहे हैं कि बहुत ही विकास किया है, कई जनहित ऐसी योजनाएं शुरू की है, क्या योजना को लाभ नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा। तो किसे मुख्यमंत्री चाह रहे हैं आप? कमलनाथ को। और शिक्षा की स्तर में बात की जाए, आपका गांव इंगोसा रायपुरा, यहां पर कैसी ऐसी कमियां हैं जो कि जनप्रतिनिधि वर्तमान में कोई भी जनप्रतिनिधि रहा हो, आज से 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहां पर शासन है, तो वो कमी पूरी नहीं कर पाए हो? कौन सी कमी है आपके गांव में वो कमी पूरी नहीं कर पा रहे नेता? काफी कमी है, स्कूल नहीं है, स्कूल है, बच्चे परेशान होते हैं, काफी दूर जाते हैं, 4-5। कहां जाना पड़ता पढ़ने के लिए? ये जाते हैं अतलोनी ननहाड़, अस्पताल नहीं है इस गाँव में। भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना लागू की है, लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर बहनों को लखपति बनाएंगे, तो क्या कहेंगे इस पर आप? तो अभी लालच दे दिया गया है, लालच दिया गया है, वो भी कांग्रेस भी कह रही है 1500 देंगे। कांग्रेस देगी 1500? किसमें भरोसा है? कांग्रेस पर। कांग्रेस को आपको भरोसा है कि कांग्रेस 1500 रुपए देगी? यानी आप सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका सर? महेंद्र सिंह भदौरिया। क्या माहौल है कांग्रेस या बीजेपी? माहौल इस समय कांग्रेस का ही चल रहा है। क्या ऐसा कारण है कि लोग कांग्रेस के लिए? एक तो जो है क्या है कि लंबे अरसे का समय हो गया शिवराज सिंह को, और उन्होंने खास करके जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और ये शिक्षा, गरीब तबके के लोगों को जो है जो अन्य सुविधाएं देना चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। बाकी ये सब जो है रेवड़ी कल्चर जो है इससे कुछ होने वाला नहीं, ये हमारा आप सभी जानते हैं कि तात्कालिक जो है लाभ लेने के लिए जनता को जो है लुभावनी चीजें दी जा रही हैं। अगर इस चीज को वो पहले से करते तो इसका बहुत बड़ा जो है जनता पे इफेक्ट होता। यानी आपका कहना है जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल वर्तमान में अभी शुरू की है वो केवल जनता को लुभाने के लिए? हाँ, सबसे जो है बड़ी बेरोजगारी जो कम से कम आज जो है 10-15 साल से तमाम जो है शिक्षित बेरोजगार बेचारे जो है घूम रहे दर दर की ठोकरे, उनको कोई रोजगार नहीं दे पाया। अब तत्काल में तुमने जो है कभी थोड़ी शिक्षकों की भर्ती कर दी, इंटरव्यू ले लिया, परीक्षा करवा दी, पर नियुक्ति नहीं दे पाए, तो इस तरह से जो है ये पता लग जाता है कि तुम अपने स्वार्थ के लिए तत्काल में जनता को जो मोड़ना चाहते हो, वो यही असर है। किसानों के लिए भी उनका ये योजना चल रही है, तो उस पर भी बता रहे हैं किसानों के लिए तो बहुत लाभ है, 2000 रुपए 6000 रुपए साल के वो दे रहे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं, तो इससे किसानों को कितना लाभ? देखो कहने का भाव ये है कि ये सब जो है कल्चर है। अब मोदी जी जो है किसानों के लिए जो लाभ दे रहे हैं ठीक है, तात्कालिक लाभ जो है मिल रहा है, पर मेरे विचार से तो ये है कि जनता के बीच में उन्हें ऐसे कार्य करना चाहिए जैसे स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल जहाँ नहीं है गांव में वहाँ हॉस्पिटल खुलवाए जाए, शिक्षा के लिए विशेष जो है बेहतर व्यवस्था की जाए जहाँ पर लोग जो है शिक्षा सहज में उपलब्ध हो सके। अब 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक पढ़ने के लिए जाना पड़ता है और बच्चियाँ जो है गाँव से दूर तक नहीं जा सकती, तो खास करके ये परेशानियाँ हैं उन पर शासन को ध्यान देना चाहिए, न कि ये जो है तात्कालिक जो है रेवड़ी बांटने से कोई जो है किसी का भला नहीं हो जाता है, वो तो एक थोड़ा सा जो है जनता को बरगलाने के लिए ये चीजें। हाँ, हाल ही मिला दिया। और कुछ लोग और भी हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे हम कि किसे वोट कर रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? अपनों का बोल जाने।
अरे आप वोट बता दो किसको जाना है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस को। लाडली बहना वाला जो योजना चल रही है उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है लाभ। इसके साथ ही और भी हमारे साथ कुछ युवा है, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या है, क्या क्या किसको वोट जा रहा है, क्या हो रहा है। क्या नाम भाई आपका? जयवीर सिंह चौहान। चौहान साहब वोट किसको जा रहा है? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों? बीजेपी को दे दे के छक गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम योजनाएं लागू की जा रही है और वो तमाम भूमि पूजन हो रहे हैं, तो आप कांग्रेस की तरफ क्या क्या अच्छा लगा था कांग्रेस में, आप कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं? अभी 15 साल से भूमि पूजन क्यों नहीं हुई जी, अभी चुनाव के दौरान क्यों हो रहा है? अच्छा, आपका कहना है कि 15 साल से कोई भूमि पूजन नहीं हुआ। हाँ। किसानों के लिए भी योजनाएं तमाम निकाल रहे हैं वो लोग। कौन सी निकाली आज दिन तक हमने? अभी युवाओं के लिए एक भर्ती स्टार्ट की है 4 साल वाली, उसको कैसे देखते? क्या देखना है, 4 साल जो बच्चे जो मेहनत करते हैं अपने खून पसीना बहाते हैं, उसके बाद 4 साल के बाद उनको निकाल दिया जाए, फिर उनका आगे भविष्य कैसे बनेगा? विधायक ने एमपी अपनी पेंशन मांगे और जब पेंशन बंद कर दें। आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है? नहीं मिलती है, नहीं मिलती है।